किसी ने क्या खूब लिखा है, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, मैं हूं कुमार गगन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका गगन मीडिया के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है व्यक्ति विशेष। दोस्तों, आज की खास मुलाकात मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो जींद की शान है, वो जींद की रौनक है, सेलिब्रिटी ऑफ जींद है, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राजेश भोला जी। तो चलिए उनके निवास स्थान पर चलकर ही उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। भोले तेरा रूप निराला, जींद के हॉस्पिटल में डेरा डाला। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गगन मीडिया में। डॉक्टर साहब, ये शब्द बिल्कुल आप पर फिट बैठते हैं जी जी। और भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा है। और जैसे कि आपके इष्ट देवता भगवान भोलेनाथ हैं, महादेव जी को मान, तो आपका नाम भी भोला जी। तो लोग आपको सर नेम नहीं जानते कि भोला सर नेम है, आपके उससे जानते हैं कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका, और मैं ये कहूँगा कि जो मेरा नाम और जो मेरी पहचान है वही मेरी लाइफ लाइन है। और उसकी अगर हम बात करें तो शुरुआत जो है उसकी आज से लगभग 50 साल पहले, जब जन्म के टाइम पे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने जो मेरा नाम है वो राजेश रखा था। और 25 की उम्र के आसपास जब मेरा मेडिकल कॉलेज में बेंगलोर में एडमिशन हुआ, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कि साउथ में बेंगलोर कर्नाटका के अंदर पड़ता है, तो जो साउथ इंडियंस लोग हैं वो पूजा पाठ और आस्था के अंदर बड़ा विश्वास रखते हैं। तो मैं भी प्लस टू तक जब यहाँ था तो मुझे भी इतना इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था। वहाँ जाने के पश्चात मैं पूजा पाठ के अंदर रहने लग गया, ध्यान लगाने लग गया, सिंदूर का बड़ा तिलक लगाता था। तो वहीं उन्होंने जो है मेरा जो सरनेम था राजेश भोला, वो राजेश खत्म करके भोले की शुरुआत एक बार तो वहाँ पहचान हुई। उसके बावजूद मेरी जो आस्था है वो भगवान के प्रति, तो मैं देवों के देव महादेव को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। और आप लोगों ने या आम जनता ने नोट भी किया होगा कि मैंने जो है वो दो चार टैटू जो है वो महादेव के नाम से करवाए हुए हैं अपनी बॉडी के ऊपर, और मुझे इनसे एक अलग तरह की इंस्पिरेशन खुद मिलती है। ये नहीं है कि मैंने ये इसलिए करवाए थे कि इससे मुझे कोई पहचान मिलने वाली है, इसलिए कि भी मुझे अलग ही इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं शुरू से भोले की भक्ति में लीन था, और मुझे मेरे सरनेम के बावजूद भी ये जो पहचान है वो मैं ये जानता हूँ कि जो महादेव हैं भोलेनाथ जी हैं, उनके आशीर्वाद से और आप जैसे भाइयों के जुड़ाव से और आम जनता की सेवा के बाद जो है मुझे ये नाम और ये पहचान जो है वो मुझे मिली। जैसे कि आपकी स्कूलिंग शिक्षा जी और कॉलेज की शिक्षा और उसके बाद आपने डॉक्टरी की जी, उसमें से एक सवाल छोटा सा ये है कि जैसे कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो सभी बिजनेसमैन हैं, तो ज्वेलर्स की शॉप है, कोई ना कोई मतलब कि नौकरी पेशा पे मुझे लगता है केवल आप ही हैं, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे डॉक्टरी उसमें जाना है या मुझे जॉब करनी है या समाज की इस तरह से सेवा करनी है, मुझे किससे इंस्पायर हुए आप? मैं कहाँ से इंस्पायर हुआ मेडिकल लाइन के लिए, 10th पास करने के बाद जो है वो बच्चे का इतना लेवल या इतनी IQ नहीं होती कि वो 10th के बाद ये डिसाइड कर ले कि उसका भविष्य आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाहे वो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, CA बनेगा, बैंक में जाएगा। तो मैं इस असमंजस में ही था कि मुझे जो है मेरे पेरेंट्स ने, और विशेषकर मैं जो मेरा सबसे बड़ा भाई था राजेंद्र, उसको राजा के नाम से सभी जानते थे क्योंकि वो कुछ समय पहले जो है वो डेथ हो गई थी उनकी, एक्सपायर हो गए, तो राजा के नाम से उसको सभी अभी भी जानते हैं, राजेंद्र उनका नाम था। तो उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेट किया था कि भी आपको हम लोग जो है प्रोफेशनल लाइन के अंदर ही डाल देंगे, आपको बिजनेस के अंदर बिल्कुल नहीं डालना है। और प्लस टू के अंदर उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि मेडिकल लाइन लेनी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो डॉक्टरी है वो आपने बेंगलोर से की है जी। और जैसे कि साइंस
और अध्यात्म जी जी दोनों ही अलग अलग है। साइंस अध्यात्म को बिल्कुल मानता ही नहीं, लेकिन आप किसे ऐसा मतलब कि प्रेरित हुए या आपको क्या लगा कि मुझे अपने सनातन धर्म को भी अपने साथ रखना है? जी जी देखिए मैं एक आपको किस्सा बताऊंगा, क्योंकि अध्यात्म में जुड़े होने के साथ साथ जब हम अपनी जो आध्यात्मिक चीजें बातें रामायण गीता पुराण के अंदर देखते हैं, लोगों से सुनते हैं, बड़े बुजुर्गों की तरफ भी हम लोग उनकी बातें हमने सुनी हैं, तो एक छोटी सी किस्सा है कि हरिद्वार में गंगा के तट पे जो है एक सन्यासी साधु जो है वो जो है सभी तो सूर्य को प्रणाम करके उनको जल गंगा जल अर्पित कर देते, तो वो दूसरी डायरेक्शन में पानी को अंजलि में भरता और उसको यहाँ ऐसे कर देता, तो सभी ने उसको टोका और यूँ पूछा, कहते जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो उसने क्या कहते जी मैं तो अपना खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो वो कहते जी आप कहीं पागल तो नहीं हो, बताओ यहाँ से आप पानी डालोगे अंजलि में भर के और खेतों में चला जाएगा? कहते जी वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप ये गंगा का जल लोटे में भर के सूर्य को अर्पित कर रहे हो तो ये सूर्य तक कैसे जाएगा? जब वो सूर्य तक जा सकते तो मेरे खेत तो नज़दीक है। तो ये किस्सा इस बात का जवाब है कि ये बात आपकी सही है कि साइंस और जो अध्यात्म है दोनों अलग अलग पहलू हैं, लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, तो एक समय एक लम्हा पेशेंट और डॉक्टर की लाइफ के अंदर ऐसा अवश्य आता है जब वो पेशेंट या पेशेंट की अटेंडेंट्स को ये कहते हैं, कहते कोई बात नहीं पेशेंट की हालत तो नाजुक है, आप ऊपर वाले को याद करो सब ठीक हो जाएगा। तो जो चीज़ें हम चमत्कारों में देखते रहे सुनते रहे या बड़े बूढ़ों ने बुजुर्गों ने हमें बताई, तो वो चीज़ें मुझे ये लगा कि मैं कह यार भगवान भी कहीं ना कहीं है और एक बहुत बड़ी ताकत है, तो क्यों ना हम सबसे बड़ी जो ताकत है उसको हम अपनी ताकत बनाएं। हम साइंस के ज्ञाता तो है ही हैं, और अगर उसको भी हम अपने साथ रख सकें किसी भी तरीके से, पूजा अर्चना से, चाहे चाहे हम हरिद्वार जा करके चाहे गुरुद्वारे जा करके, वो इष्ट देवता हर किसी का कोई भी हो सकता है, लेकिन सभी हमें पहली बात की अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करते हैं। ब्राइट कलर के जैसे आप मतलब ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे आपके आभूषण हैं, आपके ये जो टैटू हैं कुछ ना कुछ बयां करते हैं, आपका तिलक लगाना और वो भक्ति में उसमें भी रहना और एक सेलिब्रिटी की तरह भी रहना, तो इसमें क्या है कि आपको कभी किसी परिवार के किसी सदस्य ने आपको किसी बड़े ने कहा हो कि ये ठीक नहीं है आप डॉक्टर हैं आपको ये मतलब कि अध्यात्म को अपने ये जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको चेंज करना चाहिए, या आपके मन में कुछ ऐसा कुछ ऐसी कुछ आपको प्रॉब्लम तो आई होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया, तो मैं इसका एक छोटा अगर जवाब देना चाहूँ तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो आप मॉडर्न लेकिन आध्यात्मिक टच के अंदर जो व्यक्तित्व रहने वाला व्यक्ति होता है उस तरह की पर्सनैलिटी मेरी है। दूसरी चीज़ मेरी जो बैकग्राउंड मैंने बताई कि मैं ज्वेलरी के हम लोगों की शॉप्स रही हैं, दो शोरूम यहाँ एक छोटा भाई है वो दिल्ली में चलाता है, तो आभूषण और अंगूठियाँ और गहनों का शुरू से ही पुश्तैनी शौक था मुझे। मेरा एडमिशन प्लस टू के बाद बेंगलोर हुआ, तो बेंगलोर आज से 20-25 वर्ष पूर्व जो है वो तभी इतना डेवलप और मॉडर्नाइज था कि उसका 10% ही टच मेरे अंदर आया था कि मैं जो वो अपने नए स्वरूप के अंदर आ गया। दूसरी बात कि जो पूजा पाठ तिलक और भक्ति की चीज़ें हैं वो भी साउथ इंडियंस को कभी आप लोगों ने देखा हो तो मैं आपको बताता हूँ कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर भी सिंपल एक कुर्ता और लुंगी के अंदर जो वहाँ की ट्रेडिशनल सी ड्रेस है और वो बाथरूम स्लीपर्स के अंदर रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, वो हल्दी चंदन का तिलक सिंदूर का तिलक लगाते हैं बड़े बड़ा, कुछ लोग दो दो तीन तीन रंग के अलग भी तिलक जो है वो लगाते हैं, पूजा पाठ बहुत करते हैं, भक्ति रखते हैं और विश्वास और श्रद्धा है उनके अंदर। लेकिन एक और भी बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने साउथ इंडियंस के अंदर ज़्यादा देखी कि वो भक्ति भाव के साथ साथ अपने जो कर्म है उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ कि हमें मतलब भक्ति में तो रहना है लेकिन अपने कर्म के पथ से बिल्कुल भी नहीं हटना है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर
साउथ इंडियंस की बात करें और हॉस्पिटल में नर्सों की बात करें तो आज भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जितनी भी साउथ इंडियन नर्सेज हैं या बड़े बड़े मेट्रो शहर के अंदर दिल्ली गुड़गांव में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें ज़्यादातर साउथ इंडियन नर्सें रखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक तरफ भक्ति भाव है, कर्म से वो कभी भी पीछे नहीं हटती, दूसरी बात सेवा भाव उनके अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपने कर्म है उस कर्म को उन लोगों से सीखते हुए आस्था और धर्म को भी अपनाया। तो मैं जब अपने कर्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ हूँ तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी के तौर पर मैं अगर टी शर्ट डाल रहा हूँ, शर्ट डाल रहा हूँ, अपने टैटू जो मेरा एक शौक है मुझे इंस्पायर करते हैं या मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो ये चीज़ें मेरे अपने लिए हैं। देखिए एक आम जनता ने, आम लोगों ने अपने अंदर जो है इस तरह की धारणा बना ली है कि अगर डॉक्टर होगा तो वो सफ़ेद कोट में होगा और वकील होगा तो वो काले कोट में होगा, कि हर व्यक्ति को अपने फील्ड के अंदर माहिर होना चाहिए, अपने फील्ड के अंदर मास्टर होना चाहिए उसको, ताकि आम व्यक्ति को आप तक पहुंचने में कठिनाई ना आए, आम व्यक्ति को आपको अप्रोच करने में सोचना ना पड़े, आप उसके सुख दुख के साथी बने। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति परेशानी तकलीफ दर्द के अंदर आता है और वहां उसको इलाज कितना मिलता है वो एक अलग बात है। अगर उसको वहाँ दर्द मिलेगा तो ये समझ लीजिए कि आपका प्रोफेशनल होने का कोई भी फायदा नहीं है। हमारी कोशिश और मेरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी यही होती है कि जो दर्द में आया व्यक्ति उसको दर्द की दवा भी मिले और हम किसी के भी दर्द का कारण न बने। तो ये जो पर्सनैलिटी मेरी अपनी है इसमें घर वालों ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। पर्सनैलिटी मेरा एक डिफरेंट आस्पेक्ट है, वो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद आती है मैं वो करता हूँ। तो मेरी वेशभूषा आभूषण शुरू से ही ऐसे थे, तिलक लगाना मैंने करना में शुरू किया, एक दो टैटू मेरे पहले से थे और कुछ टैटू मैंने बाद में हरिद्वार से इंस्पायर हुआ, तो महादेव के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो त्रिशूल है, चाहे वो स्नेक है, तो वो चीज़ें मैंने अपने आसपास रखी और वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, वो मुझे इंस्पायर करती है, मुझे मोटिवेट करती है। और अगर हम लोग इस प्रोफेशन में होने के बावजूद भी किसी के काम नहीं आ सके, सेवा नहीं कर सके, तो उसका फिर इस तरह से प्रोफेशनल होने का कोई फायदा नहीं। तो ये इंस्पिरेशन ऐसे बनी हुई है और यदि हम खुद इंस्पायर नहीं होंगे, पॉजिटिव एनर्जी के अंदर नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बीमार व्यक्ति जो यूँ सोचता है कि यार मैं फलां डॉक्टर के पास गया था और मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो डॉक्टर मुझे ठीक कर पाएगा, तो पेशेंट भी तो जज करते हैं। पेशेंट अगर ये जज करे कि नहीं यार मैं भोले के पास गया था और अब तो मुझे पूरी उम्मीद है मैं तो ठीक ही हो जाऊंगा, तो बजाय इन चीज़ों को देखने के कि वही कोई 1-2% लोग अगर मान लो आज भी अभी भी मेरे कर्म और मेरी आस्था को ना देख करके अगर ये सोचें भी कि भाई इस तरह का जो पहनावा है वो एक डॉक्टर या इस तरह की पर्सनैलिटी को नहीं सूट करता, तो वो मैं खुद ये उसका जवाब ये है कि मुझे सूट करता है और वो सालों से सूट कर रहा है। तो मैं किसी को दिखावे के लिए नहीं कर रहा, इन चीज़ों से मुझे एनर्जी मिलती है, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए उससे, वो मुझे एक्सेप्ट करें और जो मेरा काम है उसकी प्रेज करें। अब जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम डॉक्टर साहब के निवास स्थान पर हैं और यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब की उपलब्धियों के बारे में जो उनके अवार्ड्स हैं वो हम ना देखें या परिवार का परिचय ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मेरा छोटा सा परिवार है, ये मेरी वाइफ है, मेरी बेटर हाफ सीमा जी इनका नाम है, लेकिन हमारे को लोग फेसबुक पे सोशल मीडिया पे शिव परिवार के नाम से जानते हैं। बेटे का नाम मैंने पहले ही कार्तिक रखा है और मैं इसके लिए पूरी जनता को, जींद की जनता को और आप जैसे मीडिया साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप जींद की जनता को और पर्सनैलिटीज़ को ऊपर लाते हो और एक आम लोगों के जो सवालात हैं
उनको जो है उनके सामने प्रेजेंट करते हो और उनको उनका हल और सोल्यूशन बताते। और जितना मैंने सोचा था, उम्मीद थी मुझे जितनी, उतना ही मुझे आनंद आया आपसे बात करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मेरे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, क्योंकि आप जिन शहर की सेलिब्रिटी हैं, और आपका इंटरव्यू ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, और गगन जी आपका स्पेशली कि आपने हमें समय दिया, आपने ये समझा कि मैं गगन मीडिया में एक पर्सनैलिटी के तौर पर आ सकता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।